कहते हैं जी आपका हर एक दिन स्पेशल होता है, तो इसी तरह इस दिन को भी स्पेशल बनाने के लिए हम घर से निकले सीधा चरसदा, क्योंकि चरसदा से बाइक को कपड़े लेने थे। यहाँ से जी हमने कपड़े ले लिए हैं, ये जो है सूट हमने लिए यहाँ से, ये चरसदा जो है रजड़ मार्केट है, यहाँ पे शॉप नंबर 2 है, यहाँ से लिए, काफ़ी अच्छे जो है प्राइसेस थी इनकी। अगर आप कभी कभी चांस बने आप चरसदा जाएं तो आप लाजमी चरसदा में सबसे मशहूर चरसदा के जो मोटे चावल है आप ये लाजमी ट्राई करें। पूरे चरसदे में आपको तकरीबन हर एक बंदा जो है दुकान के सामने देख लेके बैठा हुआ होगा, लेकिन आपको सीधा जाना होगा रजड़ बाज़ार। किसी से भी आप पूछ लें रजड़ बाज़ार या जिसे रजड़ बाज़ार भी कहते हैं, आप जैसे पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे M1 आप यहाँ से उतरेंगे तो तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पर ये आपको अमीर साहब मिलेंगे। इसके जो चावल थे इंतहाई लजीज थे और यकीन जाने इतनी रश मैंने कहीं भी नहीं देखी। ये चरसदा के मशहूर चावल हमने ले लिए हैं, लेकिन मसला ये है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है तो यहाँ पे हम खा नहीं सकते हैं। तो ये मेरे साथ मेरे प्रेम जान है, दरा क्या यार मेहरबान। आरिफ मोटा चावल चरसदा के जो है खदर के कपड़े लेने के बाद शॉपिंग के बाद चरसदा के मशहूर जो है मोटे चावल वो भी हमने ले लिए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश थी तो हम साथ में पार्सल लेके जाए। ये मेन चौक है जी, ये रजड़ बाज़ार है इसकी, और ये साथ में भाई हैं जमाल, और ये साथ में दो इब्राहिम जान जोया और ये लाला हैं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तरकई रोड पर, यहाँ पर हम यहाँ पर हजरत ने कहा हमें खिचड़ी खाने के लिए, यहाँ पर हमारे साथ हमने चरसदा के मशहूर मोटे चावल खाए हैं, वो काफी मजे के थे, और अभी इससे आगे जो है हम जा रहे हैं तरकई जा रहे हैं। ये आप लोगों ने मेरे भतीजे इब्राहिम को देखा होगा, इसको वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, सारा दिन मेरे साथ लगा रहता है। वेलकम टू माय चैनल। बहरहाल चरसदा के मशहूर जो चावल थे वो हमने खा लिया। अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि काफ़ी मज़े की थी और वीडियो बनाना हम भूल ही गए थे तकरीबन, लेकिन आप लोगों के लिए स्पेशल चीज़ जो है मैं आगे लेके आ रहा हूँ वो बाबा अनवर हुसैन टिका फरोश जो है, ये मैन साकोट का बाज़ार है, ये सीधा रास्ता जो है आगे यहाँ से जाता है दरगाही, और ये इनका जो है कायम शुदा 1980 खाने के शौकीन है भाई, तो काफ़ी ज़्यादा जो है दूर आना पड़ता है। साथ में मेरे साथ गाड़ी में जो है और अम्मी और अबू भी, उनको भी लेके आया हूँ साथ में। अगर आप में से किसी का भी ताल्लुक मर्दान, चारसदा, तखबई, इसहाकोट, दरगाही, स्वात, दीर, इवन कि KPK के किसी भी इलाके से, और अगर आप इतने ये तिक्के नहीं खाए तो मैं समझता हूँ कि आपने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि देखिए जी ये इनके जो है तिक्के तैयार हो रहे हैं। ठीक है जी, खैर दे मम्मा दे दस वीडियो कम मूँगा पे खबर ना रहा लियो जी जी हाँ पेशावर हाँ 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 माशाल्लाह हाँ जी हाँ जी बिल्कुल हाँ मूँगा स्पेशल था पेशावर ना रहा लियो हम देते कूलर रहा लियो। अच्छा इनको पहले जो है हाफ जो है इस पर वो बुना जाता है और फिर इसके बाद जो इसी को जो है कढ़ाई में तैयार किया जाता है, और कढ़ाई के साथ जो इनके स्पेशल मसाले वगैरह ये कढ़ाई में आ गए हैं। कढ़ाई को बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा सिंपल ही था, लेकिन के जो मसाले हैं वो थोड़े स्पेशल थे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एंड में वीडियो के, क्योंकि ये मसाले थोड़े से सीक्रेट थे, लेकिन मैंने आखिर जो है थोड़ी सी मेहनत के बाद इनसे पूछ लिया है कि भाई इसमें कौन से मसाले डलते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो है घर में अगर बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएँ।
जबरदस्त जबरदस्त, ये तैयार हो गए हैं? तैयार हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये मसाले आप कौन से इसमें ऐड करते हैं? जी जी, सही है सही है सही है सही है सही है। और ये कौन सा गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं, भैंस का या गाय का? अच्छा, ये भैंस का है, सही। साकोट मशहूर टिक्का है। हाँ, ये साकोट मशहूर टिक्का जो है हमने ये ले लिया है, हमारा जो है रेडी हो चुका है। ये देखिए जी, काफ़ी मज़े का जो है इनका टेस्ट है, और साथ में जो है मेरी भतीजी इसे भी मैं लेके आऊँ, साथ में इब्राहिम जान है वो ला लें, और ये साथ में जमाल भाई। तो बस वह यहीं से यहाँ पे हाँ स्पेशल जो है ये टिक्के खाने आए हैं, और काफ़ी मज़े के हैं जी, काफ़ी मज़े के हैं, हाईली रिकमेंडेड। तो जी, ये हमारी जो हैं वो टिक्के आ चुके हैं, और ये मैंने टेस्ट किए हैं, काफ़ी मज़े के हैं। इस वक्त जो है हम साकोट दरगाह जो है यहाँ पे, और यहाँ के जो बाबा अनवर मशहूर टिक्के हैं वहाँ पे आए हैं, मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। मज़ीद इनका जो कढ़ाई मेकिंग प्रोसेस है, और जो टिक्का बारबेक्यू है, ये जो 12 जो 12 सीखें होती हैं एक दर्जन, उसकी जो है प्राइस है तकरीबन 950 रुपये। अगर आप उसे कढ़ाई में बनाते हैं तो उसकी भी सेम प्राइस है। टेस्ट करते हैं जी। ये जी हमारी जो है कढ़ाई आ चुकी है, और ये जो है अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने लिया एक बोटी को, बोटी नहीं, टिक्का कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा इसको नहला दिया घी के साथ, और फिर इसको एक गोता दिया चटनी के साथ। गोता देने के बाद नवाला से दमों में ये देखें बाइट इसमें, ये आउटराज बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। यकीन जाने कि इतना मज़े का टेस्ट जो है पेशावर चर्सी जो है ना उनके पास भी नहीं है, जो यहाँ पे बीफ का इनका जो टेस्ट है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे जो है गोश्त है वो गोश्त मीट क्वालिटी जो है बिल्कुल फ्रेश होते, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मीट के साथ जो है सीखें तैयार हो रही हैं यहाँ पे। और ये देखें मीट क्वालिटी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त, और उसमें जो है चर्बी बिल्कुल भी ऐड नहीं करते। बारबेक्यू जो है टिक्का जो है उसके साथ साथ जो है ये यहाँ पे भी तैयार की जाती है, जिसे बोंग कहा जाता है, और एक की जो प्राइस है तकरीबन 1500-1800 की, उसमें दसन घंटों की तैयारी की, 50 मिनटों की। हाँ, इसे जो है इसका काट, इसे काट रहे हैं, और फिर इसे जो है 50 मिनट पर बनाते हैं, 50 मिनट में ये पक जाती है तकरीबन। यहाँ पे एक चीज़ जो है यहाँ की जो मीट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी। अच्छा, ये हमारे जो है आपके क्या नाम है? अयाज। अच्छा, अयाज है, और ये जो बाबर अनवर हुसैन थे, बाबर अनवर हुसैन हमारा चाचा है। अच्छा, ये इसका जो है वो चाचा, और यहाँ पे इनके पास जो है बोंग भी वो तैयार है। ये देखें फुल बोंग जो है। अच्छा, ये है उसामा, है उसामा साहब, कैसे हो आप? और इसे 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 कैसे बनाते हो इसे? हाँ, दा सिंह तैयार है भाई, दा सुदवाल हो माशा दियो शेप पे यार, दा ट्विन सुना दी। ये देखें यहाँ पे इनके जो है ताज़ा ताज़ा जो है टिक्के वो तैयार हो चुके हैं। हाँ हाँ, स्पेशल है, इसमें अंगारों का तैयार लेंगे। हाँ, इसे अंगारों पे तैयार किया जाता है, सही है सही। आप दोनों भाई हो, ट्विंस हो आप दोनों, एक जुड़वा जुड़वा वो। हाँ हाँ, घंटे में बनाते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनका स्पेशल मसाला जो है वो ऐड हो रहा है, स्पेशल मशहूर साकोट का मशहूर जो है टिक्का है, बाबा अनवर हुसैन टिक्का फरोश। 1980 से जो है इनकी वो शॉप है, वो नीचे जो है लाहौर से लोग आते हैं, कराची से, फिर जाते हैं, और हम लोग पेशावर से आए हैं, पेशावर से भी लोग आते हैं, मरकाम से भी, लाहौर से भी, से भी आते हैं, अखनूर से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग आते हैं। टेस्ट मैंने खाया है, काफी मजे का टेस्ट है यार, बहुत मजे का है। हाँ, मैंने खाया है, बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड, बिल्कुल मुतमैन हूँ। तो यहाँ पे जो है बाबा ने हुसैन टिक्का फरोश हो रही है, देखिए हमने अपने ऑर्डर किए थे, काफी मजे के थे, और हमने खा लिया है बस, अभी थोड़े से साथ घर लेके जा रहा हूँ। है भाई कहते हैं कि यार मेरी भी वीडियो बना दो। क्या नाम है आपका, आपका क्या नाम है? सनुमदे
हाँ शरीम। चले अयाज भाई थैंक यू सो मच, काफी मजा आया आपके देखूंगा यार, मजा देते। तो बस शाम हो रही जी, तो बस शाम से पहले पहले अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। ये देखे शेरगढ़ तख भाई मर्दान रसालपुर और नौशहरा, ये जो है एक मेन पुराना रास्ता है जहाँ से जो लोग पहले इस्तेमाल करते थे सवा जाने के लिए। अभी हम दरगाही इसहाक कोर्ट से वापस जा रहे हैं मर्दान की तरफ, और मर्दान से इंशाल्लाह सीधा हम पेशावर की तरफ जाएंगे। बस सूरज ग़ुरूब हो रहा है और इस आदमी चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।